हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 मार्च 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज न्यूज़ आई है वो आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो उसके बारे में जो न्यूज़ आई है देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में कि क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो मेनली हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको आगे ले जाने के लिए है। क्योंकि देखो अभी हमारे देश में फीमेल की संख्या है, मतलब फीमेल चाइल्ड है उनकी संख्या काफ़ी कम है कंपेयर टू मेल, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो बहुत कम है उसको आगे इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में ये स्कीम है वो लेके आई गई थी। अब इसमें देखो जिन जिन जिलों में मतलब सारे स्टेट को फोकस किया गया कि भाई सभी स्टेट्स में जो जो जिले हैं कि जहाँ पे सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो, जैसे हरियाणा में काफ़ी एरियाज में चाइल्ड सेक्स रेशियो वो बहुत कम है, तो उन सारी कंडीशन में वहाँ पर 900 से भी कम है, तो उन सबको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो लिखी गई थी। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और शिक्षा एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन तीनों का एक कोलाब्रेशन, मतलब तीनों मिनिस्ट्री ने मिलकर इसे चालू किया है और तीनों मिनिस्ट्री के द्वारा इसे आगे कंटिन्यू रखा जा रहा है। इसमें एक चीज़ हमें यह ध्यान रखनी कि इस स्कीम में केवल चाइल्ड सेक्स रेशियो को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, इसमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, इसका गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि देखो आगे है बेटी पढ़ाओ तो गर्ल्स को एजुकेटेड करने के लिए भी स्कीम पर फोकस किया गया, इसी के साथ वुमेन एम्पावरमेंट या गर्ल को एम्पावरमेंट की तरफ भी आगे ले जाए अग्रसर करने के लिए इस स्कीम का योगदान है काफ़ी बढ़ा रहा है। और इस स्कीम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो देखने को मिला है, तो अभी इसके बारे में न्यूज़ थी तो उसको लेकर आर्टिकल है, तो हमने आप इसके बारे में जो पॉइंट्स थे स्कीम के वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में, WEP के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है यह प्लेटफॉर्म और क्या इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई गई हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है यह नीति आयोग की एक पहल है, मतलब नीति आयोग के द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो किया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म में होगा क्या, इस प्लेटफॉर्म का मेनली एम ये है कि भाई देखो हमारे देश में वुमेन है ना वो काफ़ी पीछे हैं, मतलब कंपेयर टू मेल, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वुमेन को भी एम्पावर किया जाए और उनको भी जो इंडस्ट्रीज वगैरह है एंटरप्रेन्योरशिप है वहाँ पर आगे लेके आ जाए। तो इसके लिए उनमें एक बिजनेस के लिए इकोसिस्टम है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो लेके आई है, प्लेटफॉर्म वो लेके आ गया है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि जो वुमेन है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप है वो आगे स्किल वगैरह दी जाएंगी, इसके साथ ही उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वगैरह है उस बिजनेस के लिए उसके लिए उनको टिप्स वगैरह ट्रेनिंग वगैरह ये सारे काम हो करवाए जाएंगे। अब इसमें हो और एक दो पॉइंट ये हैं कि देखो इसमें यह है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जैसे कि फिक्की है, एसोचम है वगैरह, ये सारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करेंगे आपस में एक साथ मिलेंगे और आपस में सहयोग करेंगे, आपस में कोलाब्रेशन करेंगे, इसके साथ पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी है उसके द्वारा इनका मेन काम ये है कि भाई वुमेन को आगे लेकर जाना, मतलब वुमेन को टिप्स वगैरह देना उनको किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं और उनको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनको पैसा कहां से मिलेगा। इससे के साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि वुमेन के लीड जो प्रोजेक्ट मतलब जिन प्रोजेक्ट पे वुमेन आगे होकर काम करी है वहां पे वुमेन हेड है उस वाले प्रोजेक्ट में या जो स्टार्टअप्स हैं उन सारे स्टार्टअप्स में क्रेडिट है वो दिया जाएगा, मतलब उनको पैसा लोन के फॉर्म में वो पैसा भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट वगैरह इंडस्ट्री है उनके द्वारा। इसके साथ ही वुमेन की जो इच्छा शक्ति है उसका यूज किया जाएगा, वुमेन की जो ज्ञान शक्ति है उसका यूज और जो कर्मा शक्ति है उस उन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है इसको गति प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है। इच्छा शक्ति का मतलब है कि तो वुमेन के पास काफ़ी विल पावर होती है तो उसको यूज़ करने के लिए भाई वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ हैं इनोवेशन उनको आगे लेके जा सकते हैं, तो उनको एक तरीके से सपोर्टर चाहिए, थोड़ा गाइडर चाहिए ताकि वो अपना जो भी टैलेंट है उसको आगे निखार सकें। इसके बाद में आती है ज्ञान शक्ति, ये देखो वुमेन के पास काफ़ी सारा नॉलेज होता है तो उस नॉलेज को यूज़ किया जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उस नॉलेज के बारे में थोड़ा उनको अवेयर करा जाए कि भाई आपके पास ये नॉलेज है आप इसका यूज़ है इस तरीके से कर सकती हो, तो उनके ज्ञान को भी बढ़ाना है और उनके ज्ञान का यूज़ भी करना है। इसके बाद में कर्मा शक्ति मतलब उनके काम करने का जो स्किल है काम करने की जो शक्ति है उसका यूज़ करना है, तो इन सारी चीज़ों के द्वारा मेन फोकस ये किया जाएगा कि वुमेन को जो बिजनेस है या जो उद्यमशीलता है उसकी तरफ आगे लेके जाना, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में बूस्ट करने के लिए फंड वगैरह वो सब गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में। तो इसके बारे में जो आर्टिकल में पॉइंट है वो देखते हैं, कंटेक्स्ट क्या है पहले वो देखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है उसमें कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने एक नेपकिन है सैनिटरी नेपकिन है वो स्टार्ट किया है वुमेन के लिए, उसका नाम है सुविधा। ये सुविधा जो नेपकिन है ये 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी है जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है और ये मेनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के
तहत। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली थी। अब देखते हैं हम इसकी योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है क्या, PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है। ये मिली केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, यहाँ हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई HRDI ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वगैरह है। इसमें ये होगा, इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई गवर्नमेंट है वो जगह जगह प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र है वो बनाएगी, और बने हुए भी ऐसी बात नहीं, और उनका काम आगे चल भी रहा है। तो प्रधानमंत्री जनऔषधि जो केंद्र है ना, उनके ऊपर क्या होगा, अफोर्डेबल रेट के ऊपर मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देखो हमारे देश में क्या कि जो गरीब लोग हैं वो महंगी मेडिसिन है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई क्यों ना जेनरिक मेडिसिन है वो उन लोगों को प्रोवाइड कराए जाएँ, ताकि उनका जो पॉकेट पे जो खर्चा हो रहा है, पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसको कम किया जा सके। तो खर्चे को कम करने के लिए, इसके साथ ही वुमेन को अवेयर करवाना, वुमेन के लिए नहीं सॉरी, जो जितने भी लोग हैं उन सबको अवेयर करवाने के लिए कि भाई जेनरिक मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी में उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो आप लोग उनको यूज़ कीजिए, ना कि ज़्यादा ब्रांडेड वगैरह को। तो उस सब के लिए प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना वो लेके आई गई थी। अब जो कंटेक्स्ट है वो हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने अभी एक जो सुविधा नेपकिन सैनिटरी एक्ट में है वो स्टार्ट की है वुमेन के लिए, जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। इसकी रेट है वो 2.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट ने रखी है। तो रेट वगैरह आपको इतनी याद नहीं रखनी है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा, इन तीनों को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि वुमेन के लिए स्वच्छता हाइजेनिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका सुविधा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई उनको फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो उन सबको आगे प्रमोट करने के लिए, और हमारे देश में जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसको भी काफ़ी गति मिलेगी इस चीज़ के द्वारा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है ये चीज़ है। इसके बाद में बात क्या आती है, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि वर्ल्ड जो मेनिस्ट्रुअल हाइजेनिक डे है वो 28 मई को हर साल मनाया जाता है, तो उसके मौके पे जो सैनिटरी आइटम है ये स्टार्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मेनिस्ट्रुअल जो हाइजेनिक डे है वो मान ली 28 मई को हर साल मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है इन सीतु मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स रेसिड्यूज के बारे में, कंटेक्स्ट क्या है पहले वो देखने की कोशिश करते हैं, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। देखो बात ऐसी है कि दिल्ली में हर साल पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मेनली विंटर्स के टाइम पे फोग और स्मोक दोनों आके मिल जाते हैं। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट से निजात रीजन उसका ये होता है कि भाई हमारे जो दिल्ली के आसपास के जो पड़ोसी स्टेट है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, UP, इनमें क्या है कि जो फसल की जो अवशेष होता है जिसे पराली बोला जाता है उसको जलाया जाता है। क्योंकि देखो पराली जलाने के बहुत से रीज़न होते हैं कि किसानों के पास एक तो इतने इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होते हैं कि वो जो फसल का कचरा है उसको इकट्ठा कर सकें, फिर उसका कोई यूज़ कर सकें, और उनके पास टाइम भी कम होता है। तो उन सारे रीजन की वजह से वो जलाते हैं पराली, या जो फसल का अवशेष बचा होता है फसल काटने के बाद, और उसको जलाने की वजह से पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। तो उन सब रीजन की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन है वो बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी एक नया स्टेप उठाया और नई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट अभी नए बजट में, वो ये है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फॉर इन सीतु मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। इसमें होगा कि भाई जो क्रॉप रेसिड्यू है ना, जो फसल का जो अवशेष है उसको मैनेजमेंट किया जाएगा ढंग से, प्रॉपर तरीके से। उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, किसानों को इसमें फाइनेंशियल एड वगैरह या जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो प्रोवाइड करवाएगी। तो मेनली ये हरियाणा, पंजाब और UP और दिल्ली वाले एरिया में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि जो फसल रेसिड्यू की वगैरह से होता है उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट है वो किसानों को, इसके साथ जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं या फिर जो स्वयं हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनको क्या करेगी, उनको फाइनेंशियल एड वगैरह की, फाइनेंशियल एड का सपोर्ट देके जो समस्या है कि भाई जो फसल रेसिड्यू है उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो सारे समाधान किए जाएंगे, ताकि किसान है वो फसल रेसिड्यू को नहीं जलाएं, जिससे जो भी एयर पोल्यूशन होता है उसकी निजता उसे निजात है वो मिल सके। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है उद्यम सखी के बारे में। तो उद्यम सखी क्या है, उद्यम सखी है वो मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह एक पोर्टल है, इस पोर्टल में है कि वुमेन अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, या कोई भी बिजनेस वगैरह कुछ करना चाहती हैं, कोई भी ट्रेनिंग वगैरह उनको चाहिए, उन सब के लिए इस प्लेटफॉर्म पर सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी, और गवर्नमेंट को जो भी फैसिलिटीज मुहैया करवाएगी वो सारी फैसिलिटीज उनको अपने आप उनको अचीव कर सकती हैं। इसमें ये मेनली फोकस किया जाएगा कि वुमेन को एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाना, इसके साथ ही वुमेन को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसी के साथ उनको लर्निंग टूल्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेक्निकल हेल्प है वो सब देने की बात यहाँ पे की गई है। तो उद्यम सखी आपको ध्यान रखना कि वुमेन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसका स्टार्टिंग है वो की गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मेल किस सब के लिए नहीं है, ये मेनली वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बूस्ट करने के लिए है। तो ये थी ऐसे हमारी डिस्कशन। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया।
आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि चाइल्ड सेक्स रेशियो और वुमेन्स को एजुकेटेड करने और गर्ल्स को इसके साथ एम्पावर करने के लिए और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए स्कीम है वो लेके आई थी। तीन मिनिस्ट्री का कोलाब्रेशन है, HRD मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, इन तीनों मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लेके आ गया है। इसके बाद में अगला था वो था वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि नीति आयोग के द्वारा लेके आ गया है। क्यों लेके आ गया है? ताकि वुमेन के लिए इकोसिस्टम है वो बनाया जाए, मतलब वुमेन के लिए एक तरीके से माहौल बन जाए ताकि वो बिजनेस वगैरह जो इंटरप्रेन्योर उद्यमशीलता है उसको आगे लेके जा सकें। उसमें स्वयं हेल्प ग्रुप्स वगैरह की जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प से इसे आगे गति दी जाएगी और इसमें वुमेन का जो नॉलेज है, वुमेन की जो इच्छा शक्ति है, वुमेन के जो काम करने के तरीके हैं उसको काफी सपोर्ट है वो दिया जाएगा और इसमें फाइनेंशियल एड है या क्रेडिट है वो भी दी जाएगी वुमेन लीड स्टार्टअप्स को। इसके बाद में अगली न्यूज थी वो थी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना PMBJP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे और उन पे अफोर्डेबल रेट के ऊपर मेडिसिन हैं, जेनरिक मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। कंटेक्स्ट ये था कि गवर्नमेंट ने सुविधा नेपकिन है वो स्टार्ट किया है, जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है और जो स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए है। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि इन सितु मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड रेसिड्यू, जो कि मेनली हरियाणा पंजाब और यूपी के एरिया में जो फसल का अवशेष जला जाता है उसे निजात पाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फंड है वो एलोकेट किया गया इस बार के बजट में, उसको लेके थी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि उद्यम सखी, जो कि एक मेनली एक पोर्टल है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा, जो कि मेनली वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है ताकि वुमेन वो ट्रेनिंग वगैरह ले सकें, वो अपने आप को जो लर्निंग टूल है वो उनको मिल सकें और टेक्निकल हेल्प वगैरह वो सब वहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। तो ये थी हमारी डिस्कशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपको पहले बताना है, सबसे पहले वो है एक क्वेश्चन है वो है काला सागर के बारे में। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना कि काला सागर के कौन कौन सी कंट्री की सीमा है वो टच होती है, तो मैपिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है यूक्रेन, दूसरा है टर्की, तीसरा है रूस और चौथा है यूनान। तो ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर वो इजीली दे सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको एक बार आप सर्च है वो कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निवेश बंधु स्कीम के बारे में, कि गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी निवेश बंधु, तो आपको बताना कि किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखो ध्यान से सुनना सभी स्टेटमेंट्स को, वो है कि भारत के क्षेत्र में जो सिविल एविएशन जो एरिया है, मतलब जो विमान का एरिया है, उसमें 100% FDI को प्रमोट करने के लिए है। और थर्ड ऑप्शन है वो है कि जो खाद्य प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग है उसके संबंध में ऑनलाइन जानकारी मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है तीनों में से, आपको इसका आंसर है वो बताना। देखो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो निवेश बंधु योजना है इसका मेन मोटो यही था कि भाई खाद्य जो फूड प्रोसेसिंग के संबंध में जो भी जानकारी वगैरह है वो प्रोवाइड की जाए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो भी आप आराम से अटेम्प्ट है वो कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक आपको बताना है इस तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चन है मेनली, उसमें ये है कि आपको बताना कि किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की जो प्रथा है वो स्टार्ट की थी। इसमें ऑप्शन दिया गया है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना कि इसमें से किस सुल्तान ने ये प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि भाई उसमें घोड़ों को एक तरीके से दागा जाता था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।